नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार पांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश में आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि साबुत जो है मसूर की दाल कैसे बनाए। तो ये देखिए, ये 250 ग्राम साबुत मसूर की दाल है, इसको मैंने 12 घंटा पहले भिगा के रखा था। तो अभी हमें क्या क्या सामग्री लगेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। 250 ग्राम जो है हमें दाल चाहिए, वो भी साबुत भिगी हुई। इसके अलावा हमें चाहिए एक प्याज कटा हुआ, दो बड़े टमाटर चाहिए कटे हुए, और चार पांच हरी मिर्च चाहिए कटी हुई, और अदरक चाहिए इसके अलावा। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले ऑयल ले लेते हैं, तो आप अपने हिसाब से ऑयल ले सकते हैं। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हींग डालेंगे, और हींग डालने के बाद हम इसमें डालेंगे जीरा आधा चम्मच। इसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक डालेंगे कटा हुआ 1 इंच के आसपास। इसे हम थोड़ा हिला लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिल्ली, 2 से 3 ग्रीन चिल्ली डालना है। इसका जो हमने प्याज काटा है तकरीबन 1 प्याज है, तो हम इसे वो करेंगे। अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें टमाटर, होने देंगे इसको। दोस्तों आप चाहें तो जो है इसको उबाल भी सकते हैं, लेकिन आप ऐसे ही बना लीजिए, क्योंकि इसी के साथ ये पनीर तो अच्छा रहेगा। मध्यम आंच में इसको जो है थोड़ा सा भूनना है। दोस्तों ये देखिए हल्का नरम हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे मसाला, ये रहा हमारे पास मसाला। तो ये जो है 2 चम्मच हमारे पास जो है नमक है, आप स्वाद अनुसार नमक ले सकते हैं, और 1 चम्मच जो है लाल मिर्च है, और थोड़ी सी जो है आधा चम्मच जो है छोटी वो जो है हल्दी है, और गर्म मसाला है आधा चम्मच। तो डालते हैं, आप जो है इसमें नमक अपने स्वाद के हिसाब से ले सकते हैं, और इसको थोड़ा सा होने देंगे। ये देखिए, ये जो है हमारा जो है मसाला तैयार हो चुका है, और इसको भून लिया है मध्यम आंच में। अब हम इसमें दाल डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और कुकर को बंद कर देंगे। दोस्तों देखो, मैंने इसमें पानी डाल दिया है, तो आवश्यकता अनुसार आप पानी डाल सकते हैं। तो इसको आप जैसे भाप आ जाए, तो इसको आप 15 मिनट तक के जो है इसको पकाना है, और 2-3 कम से कम 3 या 4 सीटी आनी चाहिए। तो इसको हम लगाएंगे और 15 मिनट तक के इसे हम पकाएंगे। तो दोस्तों हमारा ये कुकर हो गया ठंडा। अब हम निकालेंगे इसको, देखेंगे दाल कैसे बनी है। दाल ठीक बनी है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा धनिया, अगर आपकी इच्छा है तो आप धनिया डालें।
दोस्तों ये दाल तैयार है। इसे आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ खा सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने मित्र प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।